अब घंटा हो गया डेढ़ घंटा हो गया किलो चीनी वास किलो चीनी वास जब भी कुछ पता नहीं पुणा देनी है या नहीं देनी जवाब दिलाने हैं कितनी चीनी लेनी है एक किलो ही लेनी है वो एक किलो के लिए 20 मिनट हो गए लाइन में लगे हाँ जी बेहतरीन है इनका आटे का मियार भी बेहतरीन है बाकी सब्जियां वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मसाले वगैरह मार्केट से जो है ना वो रहते हैं तो चीजें हैं उनका मियार ठीक है ठीक मियार है अच्छा मियार ठीक था आम मार्केट से ठीक था नहीं आम मार्केट में जैसे बाजार मार्केट से मिले वैसे इनसे मिलते सब चीनी मिल रही है लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है क्या एक ही जगह के दो दो तीन तीन रोजाना बच्चों को भी ले आते हैं ठीक है 10-10, 12-12, 14-14 किलो चीनी यहाँ पे लेके जाते हैं और इमरान खान बदनाम की ये भी रिक्वेस्ट है वजीर आजम के हिसाब से कि आप लोगों ने ये जो कदम उठाया करप्शन का अगर आपने ये पूरा ना किया तो हम समझेंगे कि आपने भी मुल्क के लिए कुछ नहीं किया 35 साल हो गए हमें डंडा दिया हुआ वो किसी ने मजबूर नहीं किया अभी ये तीन महीने नजर आ रहे हैं 3 साल नजर आ रहे हैं लोगों को मैं 31 साल सऊदी अरब रह के आया अच्छा इनकी जो फैक्ट्री है वो उधर सऊदी अरब में इनसे पूछो वहाँ जो काम करने वाले उनमें पाकिस्तानी भी हैं कितने पाकिस्तानी रखे हुए बिल्कुल जिनकी वजह से मंगाई है वो तो बाहर चले गए अगर अगर ऐसे कारखाने बोल के हैं तो उधर क्यों बैठे हुए हैं शफकत खान मैंने क्या बीमारी दुनिया के इलाज इधर करने आते तो ये लोग बाहर जाते हैं मैं उसको ही वोट दूंगा मर्द के दम तक उसको वोट दूंगा इमरान खान इंशाल्लाह आप की लाइन खलोते हुए थे रमजान चीनी वास खलोते हुए जी चीनी वास खलोते हुए हाँ जी कितनी चीनी लानी है तुसी ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੋ ਦੇਣੀ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਦੇਣੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਅਬ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਵਾਸ ਖਲੋਤੇ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਵਾਸ ਜੇ ਵੀ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਵਾਬ ਦਿਲਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਛਾਪਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਪਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਛਾਪਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ कारोबार भी बंद चीनी लैंड दिखा रहे हैं आज आखिरी दिन ने रमजान बाजार था हाँ तो कोई पैगाम देना चाहोगे इमरान खान साहब बस उन्होंने मेहरबानी है जहाँ से आप भी टोल जो जब आवाम मार छड़े आवाम मार छड़े मार छड़े आओ जलील कर लो अच्छा बस ने मारे उन्हें बेचारे की मारे अभी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब कतार में खड़े हैं आप किस लिए खड़े हैं भाई जान खड़े हैं चीनी के लिए खड़े हैं तो इन सबको यही चाहिए कि अपनी बारी का इंतज़ार करें अगर 10-20 मिनट लग भी जाएँ तो कोई बात नहीं आपको बाज़ार से रायत चीनी मिल रही है यहाँ 65 रुपये किलो आपको चीनी मिल रही है तो किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे नहीं नहीं मेरे ख्याल में किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे किलो से ज़्यादा किलो से ज़्यादा नहीं तो बाकी दूसरी बात जो है वो अल्लाह की तरफ से जो भी है आप कितनी देर से खड़े हैं लाइन में मुझे तकरीबन 15-20 मिनट हो गए 15-20 मिनट से खड़े हैं वो चीनी इधर नहीं है ना दफ्तर में चीनी लेने गए हैं लेकर आएंगे फिर वो दे देंगे हर रोज ही ऐसा होता है कि पहली दफा नहीं मैं हर रोज तो आता ही नहीं हूँ मैं तो ये तकरीबन दूसरी दफा में आया दूसरी दफा आया दूसरी दफा तो पहली दफा आपको चीनी मिल गई थी पहले जी बिल्कुल दूसरी दफा बस अनफॉर्चुनेटली हुआ बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप ये जो मैार है इनका दूसरी चीज दूसरी मार्केट से मैार भी बेहतरीन है इनका आटे का मियार भी बेहतरीन है बाकी सब्जियां वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मसाले वगैरह मार्केट से जो है ना वो रायत में मिल रही है तो आज आखिरी दिन है रमजान बाजार का हाँ जी तो आपको इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहिए जी इमरान साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों का गरीब आदमियों का जो है ना देखो जो महंगाई है ना वो जिस तरीके से हुई है हमें पता है जी। वो तो चले गए ठीक है वो तो बाहर जाके बैठे हुए हैं महंगाई जिनकी वजह से हुई है, सही है लेकिन थोड़ा सा अगर हम सेंस रखें कि भाई ये महंगाई हुई कैसे क्यों हुई किन लोगों की वजह से हुई तो फिर इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम नहीं होगी हम रिक्वेस्ट करेंगे जनाब वज़ीर आज़म साहब से कि ये जो गरीब लोग हैं ना इनके लिए जो है ना रिलीफ दें जी जी आप यहाँ कतार में लगे हैं किस लिए चीनी के लिए लगा हूँ चीनी के लिए कितनी देर से मैं अभी आगे बैठा हूँ अभी आगे बैठे हैं तो रमजान सबको चीनी मिल रही है लोगों ने हमें तमाशा बनाया हुआ है क्या एक ही जगह के दो दो तीन तीन रोजाना बच्चों को भी ले आते हैं ठीक है 10-10, 12-12, 14-14 किलो चीनी यहाँ पे लेके जाते हैं और इमरान खान बदनाम किया हुआ ब्लैक कर रहे हैं चीनी ब्लैक कर रही है ये कौन ब्लैक कर रहा है ये लोग ब्लैक कर रहे हैं इमरान खान का क्या कसूर है सही है बिल्कुल तो जो अभी तक रमजान बाजार की जो चीज़ें हैं उनका मियार ठीक है ठीक मियार अच्छा मियार ठीक था आम मार्केट से ठीक था
नहीं, आम मार्केट में जैसे बाजार मार्केट से मिले वैसे इनसे मिलते हैं। रेट वगैरह उनसे कम तक ही ज्यादा? कम है, कम है। तो आज आखिरी दिन है रमजान बाजार का, इमरान खान साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको गुड विश कहता हूं सर। अच्छा, क्या बात, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। उनकी कारकर्दगी से खुश हैं? मैं मुतमिन हूं। ये जो महंगाई ज्यादा हुई है, चोरों ने लूट के खड़ा हुआ है, वो कुछ छोड़ते तो जब गुजारा कुछ करता था। बिल्कुल, इनकी वजह से महंगाई है, वो तो बाहर चले गए। बाहर चले गए? अगर अगर ऐसे खार खाए मुल्क के हैं तो उधर क्यों बैठे हुए हैं? इधर के डॉक्टर नहीं है? ये भी रिक्वेस्ट है वजीर आजम के हिसाब से कि इधर डॉक्टर नहीं है। उन्होंने ये जो कदम उठाया करप्शन का, अगर आपने ये पूरा ना किया तो हम समझेंगे कि आपने भी मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। करप्शन तो वो नवाशी तो उन्होंने बाहर भेज दिया ना, तो उनसे पैसा लें तो इमरान खान ने भेजा? नहीं, उन्होंने नहीं भेजा। किसने भेजा? ये अदालत ने भेजा है, उन्होंने नहीं भेजा। गवर्नमेंट इमरान खान की, उनका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल, अदालत अगर कुछ इमरान खान करता तो अदालत रमान को बढ़ेगी। अदालत हुकूमत अदालत की है। बिल्कुल, इमरान को बनाई नहीं मिलना। तो अगर इमरान कुछ करता है तो वो अदालत उसको भी पकड़ेगी। जो करती है अदालत कर रही है, और इमरान का नाम इधर जो है ना, सेंस होना चाहिए कि आएगा हमारे मुल्क। मैं 30 साल सऊदी अरब रह के आया। अच्छा, इनकी जो फैक्ट्री है वो उधर सऊदी अरब में, इनसे पूछो वहाँ जो काम करने वाले उनमें पाकिस्तानी भी हैं? कितने पाकिस्तानी रखे हुए हैं? ठीक है, हैं जी, पाकिस्तानी नहीं है? नहीं है, ये मुल्क के साथ मोहब्बत है ये। तो यानी कि आप कहते हैं कि उनको दोबारा वापस लाना चाहिए नवाज शरीफ को, उनसे करप्शन जो किया पैसा, करप्शन का पैसा इन सब से जो भी हैं, अगर हुकूमत के अंदर भी जो लोग हैं उनसे भी उनका हिसाब करो। नवाज शरीफ साहब की जमानत करा दी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, तो बहुत सारे मुकदमात हैं, एक की जमानत होगी, बाकी कितने मुकदमात हैं वो कैसे खत्म होगा? तो आपके ख्याल में शबाश बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इधर वाम मारी तो खुश हो जा रही, अगर ये लोग हैं तो इनके अमीर आदमी इन लोगों को तकसीम करें। नवाशी तो कहता था कि मेरे बीमारी ऐसी है कि मेरा इलाज यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आदि इधर नहीं हो सकता। क्यों बीमारी है शबद खाना मैंने क्या बीमारी, दुनिया के इलाज इधर करने आते हैं तो ये लोग बाहर जाते हैं। वो कहता था कि बीमारी ऐसी है कि मेरा इलाज यहाँ मुमकिन ही नहीं है। हो जाता क्यों नहीं होता? किधर से होता है? इधर भी तो लोग मुसलमान रहते हैं ना, छोटे बड़े हैं सब हैं, उनका भी तो इलाज इधर से ही होता है। ये जो बड़े होते हैं इनका इलाज बाहर से होता है, जो छोटे हैं उनका इधर से होता है। तो वोट भी तो हम लोग ही देते हैं ना, उन्हें आगे लाते हैं हम लोग, इसलिए तो नहीं देते कि हम पे जुल्म हो। हम लोग वोट इसलिए तो नहीं देते, ये तो कौम के लिए देते हैं। तो इमरान खान की जो कारकर्दगी है वो ठीक है? बेहतर जा रही है, काफी बेहतर जा रही है। महंगाई तो भाई आहिस्ता आहिस्ता ही होगी ना, घर में एक फराद होता है पूरे घर को चलाने के लिए, वो भी नहीं चला सकता, कोई ना कोई मसला होता है। ये तो फिर पूरा मुल्क चला रहा है। 3 साल हो गए हैं उसे मुल्क चलाते हुए, तो अभी तक कंट्रोल? 3 साल में पहले तो हमें 2035 साल हो गए, हमें कोई डंडा दिया हुआ वो किसी ने महसूस नहीं किया। 2 साल हो गए अभी, ये 3 महीने नजर आ रहे हैं, 3 साल नजर आ रहे हैं लोगों को। तो आपके ख्याल में इमरान खान को मजीद टाइम देना चाहिए? बिल्कुल टाइम देना चाहिए। अगर अगली दफा इलेक्शन दोबारा हो तो किसे वोट देंगे? मैं उसको ही वोट दूंगा, इमरान खान साहब मर के दम तक उसको वोट दूंगा। इमरान खान साहब इंशाल्लाह, आप इमरान खान साहब से उम्मीद है अच्छे करने की? अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। शुक्रिया जनाब। सस्ता रमजान बाजार में आए, क्या लेने आए? चीनी लेने आए। तो ये जो कतार लगी है चीनी की है? जी। कितने टाइम से खड़े हैं आप? तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट हो गए हैं। तो कोई इंतजामिया की जानिब से कोई बात कही गई है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं कही गई। क्या कहते हैं चीनी के बारे में? देते हैं चीनी, देते हैं। तो अभी तक मिली नहीं है? कितनी चीनी, कितनी चीनी लेनी है? 1 किलो ही लेनी है। वो 1 किलो के लिए 20 मिनट हो गए लाइन में लगे? हाँ जी। ये तो बड़ा जुल्म है यार। कोई बात नहीं, रोज़ा भी रखा हुआ है। रोज़ा भी रखा हुआ है, 1 घंटे से लाइन में है जी। तो कितने पे किलो मिल रही है चीनी? 65 रुपये किलो सम दे रहे हैं। और आम मार्केट में? आम मार्केट में 90 भी चल रही है, 100 भी चल रही है, 80 भी चल रही है। तो यानी कि चीनी का मैार दूसरों के मुताबिक क्या कि कम है? ठीक है, ठीक है। इससे पहले खरीदारी की है आपने रमज़ान बाज़ार से? नहीं, अभी आए हैं। पहली दफ़ा आए? पहली दफ़ा आए। आज रमज़ान बाज़ार ख़त्म कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई भी नहीं, ख़त्म ही होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए? हाँ। कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ? कोई फ़ायदा नहीं वहाँ को।